अबे काय का मिशन पागल हो गया सारी, क्या दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे हम तो मोहब्बत में आए थे तुम्हारे पास आजादी मनाने। उठ उठ खड़ा चल। आजादी मुबारक। क्या हुआ आज? खुश तो बहुत होगे तुम। मतबल हमने जैसी आजादी पाई तुम लोग ऑटोमेटिकली आजाद हो गए। ये क्या बात हुई? अबे मजाक कर रहा हूँ यार, और बता कैसे आना हुआ? अरे हम आपके पास आजादी मनाने आए हैं। हैं? तू यहाँ 14 अगस्त मनाने है? जाहिर सी बात है, अब पाकिस्तान में रहकर 15 अगस्त तो नहीं मनाएंगे भाई, जहाँ रहेंगे वहीं की आजादी का दिन मनाएंगे ना। मतलब एक इंडियन दोस्त पाकिस्तानी दोस्त के साथ 14 अगस्त मनाएगा? क्या बात है यार। पर तुम भी कल हमारे साथ 15 अगस्त मनाओगे? माना कि हम यहाँ रहते हैं पर हमारे बहन भाई तो वहीं रहते हैं ना भारत में, अब उनको भी आजादी मुबारक कहना जरूरी है, तो दोनों साथ में देंगे क्यों? अंदर अंदर। अरे बढ़िया मरवाएगा। वैसे अच्छा ही हुआ कि अलग हो गए, वरना अभी तक लड़ मर रहे होते हम लोग। लड़ मर तो अब भी रहे, तुम भी और हम भी। क्या मतलब भैया? अरे भाई पहले दोनों को हमें मुल्क की लड़ रही थी कि मुल्क मिल जाएगा तो आजाद होगी, सुख का सांस लेंगे। अब जब दोनों को अलग मुल्क मिल गया है तो अपने ही मुल्क के अंदर आपस में लड़ रहे हैं, फिर क्या मजा जात पात के नाम पे। वैसे इंडिया और पाकिस्तान को अलग करते करते लाखों लोगों की जाने कुर्बान हो गए। चलो माना कुर्बानी देनी पड़ती है अपने मुल्क के लिए, आज़ादी के लिए, तुम्हारा मेरा भी यही मान है। अब तो कुर्बानी दे दी ना, लाखों जाने ज़ाया हो गई ना, मुल्क मिल गया ना, सुकून से रहो ना भाई, सुख का सांस लो ना, क्यों लड़ो आपस में? देखो भैया जो इख्तलाफात हैं वो तो हैं, उन्हीं का तो फड्डा है। किस बात का फड्डा है भाई? इख्तलाफात हैं? अच्छा तो सरा तू क्यों आ गया था मेरी कॉल पे 3 बजे अपनी गाड़ी लेके? अरे भैया वो तो फर्ज था ना, तुम्हारी आंटी की तबीयत बिगड़ गई थी और अगर हम नहीं आते तो वो नहीं बच पाते, खत्म हो जाते। ऐसे ना बोलो यार। नहीं नहीं मैं नहीं बोल रहा, डॉक्टर बोल रहा था, याद है उसने क्या कहा था? अगर जरा से भी देर करते तो आंटी की जान जा सकती थी, और आप टाइम पे आए थे। किसने बचाया एक पाकिस्तानी मुस्लिम को? हिंदू ने। और मजे की बात तो ये डॉक्टर भी हिंदू ही था। लेकिन ऐसे तो तुमने भी मुझे और मेरी फैमिली को बहुत से बड़े हादसा से बचाया और भरपूर हेल्प की है। इसी बात पे तो गौर करवाना चाह रहा हूँ मेरे भाई, ये रंग नस्ल जात पात मजहब फिरका को एक्सट्रीमली फॉलो करने के चक्कर में ना इंसानियत बहुत पीछे रह गई। रवि अंकल इसे जोड़ दीजिए। चल यार आजादी मनाते। हाँ चलो मैं भी झंडे वंडे निकालता हूँ भैया। झंडे और मुल्क की नहीं, आज हम दिल की आजादी मनाएंगे, अच्छी सोच की आजादी मनाएंगे, और ये एक दिन की आजादी नहीं होगी, जिंदगी भर हम ऐसी आजादी मनाएंगे जो सिर्फ इंसानियत को मोहब्बत का पैगाम देगी। वाह यार साजिद भैया तुमने क्या बात कह दी, हमारे दिलो दिमाग से सारा गुबार निकाल दिया। क्या मतलब? तेरे दिल ने मेरे लिए गुबार था? अरे नहीं नहीं। क्या नहीं नहीं? तूने अभी बोला कि तेरे दिल ने मेरे लिए गुबार था। मेरे नहीं, मेरा साफ है। अरे हम ओवरऑल सबकी बात कर रहे थे ना। रुक जा ये तू कब से कर रहा है? क्या और कितने लोग थे साथ इस मिशन में? अबे काय का मिशन पागल हो गया साजिद भैया, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? अरे हम तो मोहब्बत में आए थे तुम्हारे पास आजादी मनाने। उठ उठ खड़ा चल। कहाँ? चल चाय भी कहता जा। यार कमाल करते हो, क्यों एक शरीफ आदमी झूठा आरोप लगा रहे हो? तुम फिल्में कम देखा करो भाई। तुम्हारे ही देखते हैं तो ये असरात हैं। आओ आज हम पिलाएंगे तुमको आजादी चाय। आजादी? ये कोई स्पेशल चाय है? अबे वही चाय जो हम रोज पीते हैं बाहर होटल में बैठ के और एक दूसरे को गालियां बकरे होते। आज बस ये कि एक दूसरे को गाली नहीं देंगे। Thank you.
हूँ।